हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो पोर्टल गवर्नमेंट जॉब्स। आज अपनी जीके की थर्ड क्लास है, तो लास्ट क्वेश्चन था 20 या 21 से शुरू करेंगे। जसपाल राणा किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है जी बी, शूटिंग। विश्वनाथन आनंद किस खेल से जुड़े हैं? इनको तो आप सभी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर है जी शतरंज, चेस। डी, शेन वॉन किस देश के खिलाड़ी हैं? ये तो सभी को आता होगा, राइट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। एनाटोली कारपोव क्या खेलते हैं? एनाटोली कारपोव भी क्या खेलते हैं? चेस। बी, शतरंज। माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? माइक टाइसन है जो, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ए, बॉक्सिंग। नेक्स्ट, 26 एशियन ओलंपिक गेम की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, द ग्रीक्स ने। तो जो एशियन ओलंपिक गेम्स शुरू हुई थी वो कहाँ हुई थी? एथेंस में। ऊपर देखिए, वहाँ दिया गया ना ऑप्शन, एथेंस गेम 1896 में। लेकिन ओलंपिक फ्लेम किस स्टेडियम में पहली बार जलाई गई थी, ये कन्फ्यूज नहीं होना। इसका राइट आंसर है एम्स्टर्डम गेम्स 1928। अगर ओलंपिक फ्लेम की बात पूछे किस स्टेडियम में पहली बार जलाई गई थी, तो एम्स्टर्डम गेम 1928। ठीक है, ओलंपिक गेम्स की बात करें तो कब शुरू हुई थी? 1896 में। तो एशियन ओलंपिक गेम की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा द ग्रीक्स, बी। ठीक है जी, 27th क्वेश्चन है, मॉडर्न ओलंपिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जी बी, पायरे डे कोबरेटिन। नाम थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप इसको किसी चीज़ से रिलेट करके चलें। जैसे पायरेट डी कॉबर्टन है ना, तो इसका कोई ऐसा नाम बनाए जो आपको याद रखे। मॉडल ओलंपिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? पायरेट डी कॉबर्टन को कैसे याद रख पाएंगे? ठीक है, कोई ट्रिक इस्तेमाल करें। पायरेट डी कॉबर्टन, कोई ट्रिक लगा लीजिए। जैसे पैरा डे कोबर्टन है ना, इसको PDC बोल लीजिए। अगर PDC बोल आ गया तो पैरा डे कोबर्टन ही है। ठीक है, जो आप कोई और सब्जेक्ट जोड़ लीजिए, कोई भी आपको जो आप जोड़ सके, पैरा डे कोब जोड़ के लीजिए। ठीक है, ऐसे कोई भी ट्रिक यूज़ कीजिए जिसे मॉडर्न ओलंपिक्स का पिता कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, 28th क्वेश्चन की बात कर लेंगे, इनमें से कौन सा व्यक्ति निशानेबाजी खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है जी ए, अंजलि भगत। अंजलि भगत है जो, वो निशानेबाजी से जुड़ी है। मशहूर टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर है जी ए, जर्मन के हैं मशहूर टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ। 30 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत की पहली एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली एकेडमी जो है वो बेंगलोर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या है? डी, बेंगलोर। ठीक है जी, आज के ये 10 क्वेश्चंस है, आप याद कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन है तो उनको भी याद रखिए। ठीक है, अभी एक इसका मुझे एग्जांपल ट्रिक याद आया, पैरे डे को बटन याद करने का। ठीक है, इसको आप ऐसे जोड़ लीजिए, जैसे PIERRDE पैरेडे को बटन है ना, इसको तोड़ के एक शब्द बना लीजिए आप। ठीक है, जैसे PIECE। ठीक है जी, PI तो इसमें से ले लिया, PC इसमें से ले लिया, और E इसमें से ले लिया। तो मॉडर्न ओलंपिक्स का पिता किसे कहा गया है? पीस, PIECE, पीस। ठीक है, पीस से याद रख लेंगे आप पैरेडी को बटन। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही। हाँ जी, पटवारी की कंप्यूटर आईटी की क्लास आप सबने लगा ली होगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इससे पहले वो अपलोड हो चुकी है, हमने अपलोड कर दी, आप चेक कर लीजिए। नोटिफिकेशन, अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ तो नोटिफिकेशन आ गया होगा क्लास का। ठीक है जी, बाकी आज की काफ़ी पोस्टर्स भी आई हैं चैनल पर, चैनल को विजिट करिए, देखिए। हाँ जी, एक बार जरूर याद रखिए, अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं प्रेस किया ना, तो बेल आइकन नहीं प्रेस किया, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कभी कोई भी क्लास आए या कोई पोस्टर रिलेटेड वीडियो आए तो आपके सब सबसे पास सबसे पहले पहुँचे जी।
देख लीजिए पोस्टर्स को, चैनल को विजिट करके टैग गुरु नाम का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने यारों दोस्तों मित्रों के साथ ये क्लासेस है शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो हो सके। जल्दी ही हम क्या कंप्यूटर आईटी के एग्रीकल्चर पार्ट की क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ की फाइल है जो उसका लिंक देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है जी। बाय बाय, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ़।